टॉपिक हमारा है एमएस एक्सेल में अटेंडेंस सीट कैसे तैयार करें। मतलब लेबर, अगर लेबर का जो भी मेंटेनेंस है, प्रेजेंटिंग है या एब्सेंटिंग है, अगर आप एक्सेल सीट पे मेंटेन करना चाहते हैं तो आप आज के क्लास में सीखेंगे कि हम अटेंडेंस सीट एक्सेल में कैसे बनाएं, वो भी फुल ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ उसमें ऐड होगा, ऑटोमेटिक उसमें सैलरी ऐड होगी, ऑटोमेटिक उसका प्रेजेंट एब्सेंट होगा, मतलब जो भी है फुल ऑटोमेटिक। उसमें आपको कुछ मैनुअल टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तब सब्सक्राइब करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम आज आपको बताएंगे अटेंडेंस शीट तैयार करना, इसका पैटिक सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर से संबंधित किसी भी वीडियो के पार्ट, या मान लीजिए आप पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल NIC कंप्यूटर्स पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नेम है यहाँ पे, यहाँ मुझे डेट मेंशन करना है, और ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ से मैनुअल टाइप कर लिया है, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं आपको, आप टाइप कर लोगे मैनुअल। हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट ऐड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं बनाऊंगा नवम्बर माह का अटेंडेंस शीट, हर माह का अलग अलग होता है, आप उसी की डुप्लीकेट बना बना के आप हर माह का तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, मान लीजिए एक, सॉरी 11 21, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट, अगर हम मान लीजिए अगर इसको हम पूरा फिल करते हैं, मतलब 1 11 21, तो जो हमारा कॉलम का साइज़ जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सीट हमारी बहुत लार्ज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा करने के लिए मतलब मुझे सिर्फ 1 दिखाना है, 2 11 और 21 नहीं दिखाना है, ठीक है। तो मतलब माह में जो हमारा डेट है, इसमें माह और ईयर नहीं दिखाना है, सिर्फ डे दिखाना है। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पे मालूम है, यहाँ पे इस डेट फॉर्मेट में यहाँ क्लिक करेंगे आप। जब क्लिक करेंगे ना, तो एक पेज खुल के आएगा इस तरीके से। आपको कहाँ जाना है, कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद देखिएगा, यहाँ पे डे दो बार, डी दो बार लिखा हुआ है, एम दो बार लिखा हुआ, बाई दो बार लिखा, मतलब ये कह रहा है कि दो बार, दो वर्ड में हम डे दिखाएंगे, दो ही वर्ड में आपको मंथ दिखाएंगे, या दो ही में आपका ईयर दिखाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ ना सबको हटा देना है, सिर्फ डी डी टाइप करना है, डी डी बस। इतना करने के बाद आपको इसे मैनुअल ओके कर देना है। देखिएगा यहाँ पे सिर्फ ये सिर्फ एक तारीख से तारीख दिखा रहा है, डे दिखा रहा है, ठीक है, मंथ और ईयर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। ड्रैग कहाँ तक करना है, 21 तारीख, सॉरी 30 तारीख तक। तो इसको हम ऐसे ट्रैक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रैक कर लीजिए। देखिएगा ये आपका 1 तारीख हो गया, ये हमारा 30 तारीख तक ऐड हो गया। इतना करने के बाद आप यहाँ आएंगे, और इसे हम ना सेलेक्ट करके पूरा ऐसे प्लस पे क्लिक करके डबल, तो देखिएगा ये कम में एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना इस 1 तारीख में कौन सा दिन आ रहा है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कौन सा दिन आ रहा है मुझे यहाँ पे शो कराना है। तो उसके लिए भाई हमने ऑलरेडी डेट से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से एक्सेल के ग्रुप में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। बट यहाँ हम बताते हैं आपको कैसे हमें किसी भी तारीख का दिन निकालना है, ठीक है, किस तारीख में कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल, इक्वल लगाने के बाद हम टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पूछ रहा वैल्यू, वैल्यू क्या आपका, तो भाई वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है, हमने कॉमा लगाया, डबल कोट लगाया। अब यहाँ मुझे क्या मांगना है, डेट मंथ या ईयर, मतलब आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। अगर हमने यहाँ पे ना डी डी टाइप कर दिया तो दिन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डी डी टाइप करेंगे। अब बात आ रही है कि यहाँ पे डी कितनी बार टाइप करना, 4 बार 5 बार 10 बार, ठीक है। दोस्तों जितनी बार डी प्रेस करेंगे आप, उतने वर्ड में आपका दिन आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड टाइप कर लिया, क्योंकि मैनुअल 3 वर्ड हर जगह होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ब्रैकेट बंद, डबल कोट बंद कर दिया, ब्रैकेट लगाया और एंटर लगा दिया। आप फार्मूला देख सकते हैं किस तरीके हमने लगा रखा है, यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट में C1, मतलब हमारा हो जाएगा डेट का एड्रेस, फिर कॉमन लगाएंगे। अब मुझे दिन लाना है, तो यहाँ पे हमें 3 बार, मतलब 3 वर्ड में मुझे दिनांक लाना है, तो इसलिए मैंने 3 बार डी प्रेस कर दिया। अब डबल कोट क्लोज करने के बाद हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पे MON आ गया, मतलब मंडे आ गया। इसकी साइज आप कम करेंगे कैसे बताएंगे आपको हम, यहाँ से फिर प्लस लगाना आपको, बनाना है ऐसे, फिर ड्रैग कर देना है।
तो देखिएगा यहाँ तक ये हो गया, इसकी साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। आप इसे सेंटर कर लीजिए, देखिएगा, फिर सेलेक्ट करिए इसे पूरा, और यहाँ से ना आपको फिर प्लस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा टेबल बन गया, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पहला काम कर लेते हैं बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका, बॉर्डर लगा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना कहाँ तक डेटा हमारा है, ठीक है। ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ना आप जाओगे बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर ऑल पे क्लिक कर देंगे, बॉर्डर लग जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, संडे को अलग करना, मतलब हाईलाइट कराना है। तो भाई संडे कहाँ पे है, संडे यहाँ पे है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमने पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है, ये वाला जमेगा ना, डार्क ब्लू है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका टेक्स्ट जो होगा वाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ डबल क्लिक मारेंगे, ऐसे एक कंडीशन सेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे संडे, यहाँ पे है 7 के बाद 14 तारीख में है, संडे सेलेक्ट किया, संडे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ फिर आपका संडे 21 तारीख में आ रहा है, मैं ऐड किया, फिर संडे कब आ रहा है, 28 को आ रहा है, ऐड किया, देखिएगा एक कंडीशन सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, अब हमें यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे मैनुअल, मतलब हमें टाइप ना करना पड़े प्रेजेंट अब्सेंट, ठीक है, या फिर हॉलीडे, मतलब अगर आपने छुट्टी कर रखा है तो छुट्टी का भी यहाँ दिखाया कि हाँ हॉलीडे है, अगर आपने मान लीजिए प्रेजेंट कर रखा है तो प्रेजेंट का दिखाया, अब्सेंट है तो अब्सेंट, जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बार तो भाई मैनुअल टाइप ही करना पड़ेगा, तो मैनुअल टाइप करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस तरीके से। आपको जितने एरिया में प्रेजेंट अपसेट दिखाना है उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ टाइप कर लो या फिर आप चले जाओ डेटा मेन्यू में, यहाँ पे मिलेगा डेटा मेन्यू, यहाँ जाओ, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन के नाम से, यहाँ जाना आपको। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा अलाउ, आपको यहाँ पे क्या देना है, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है फिर यहाँ पे, यहाँ आपको कोई सोर्स नहीं देना है, मैनुअल टाइप कर देना है। क्या क्या आपको प्रेजेंट चाहिए, अपसेट, प्रेजेंट चाहिए तो पी प्रेस करेंगे, कॉमा मुझे अपसेंट चाहिए तो ए प्रेस करेंगे, कॉमा मुझे मतलब हॉलीडे या फिर कुछ और, ओटी मतलब ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम दिखाना चाहते हो ओवर टाइम भी दिखा सकते हैं, बट आपको कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इससे भी एडवांस आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे एच दबा देंगे तो हॉलीडे हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ना आपको ओके कर देना है बस। तो देखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे जब भी ड्रॉप डाउन बन गया, एक आपको प्रेजेंट दिखाना है प्रेजेंट दिखा दो भाई, यहाँ पे अब्सेंट दिखाना है अब्सेंट दिखा दो भाई, यहाँ पे हॉलीडे दिखाना है तो भाई हॉलीडे दिखा दो, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, इसको मैनुअल हम टाइप कर लेंगे, ठीक है, पूरा टाइप। देखिएगा टोटल प्रेजेंट अब्सेंट हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, मैनुअल एक बार आपको इसे टाइप करना पड़ेगा। और जब भी फिल करना रहेगा बस ऐसे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, या प्रेजेंट या अब्सेंट, मान लीजिए अब्सेंट, देखिए अब्सेंट हो गया, ये तो हमारा फिल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना संडे दिखाना है, तो संडे आप मैनुअल या तो टाइप कर दो, तो मैनुअल टाइप करने के लिए करना पड़ेगा आपको मर्ज करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करना है एरिया, एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे मर्ज कर देना, देखेंगे यहाँ मर्ज हो गया, पूरा एक सेल हो गया, वैसे भी सेलेक्ट करा मर्ज करा, ठीक। फिर जाएंगे नेक्स्ट संडे, क्या हमारा सेलेक्ट करा मर्ज करा सेलेक्ट करा और मर्ज करा, इतना हो गया। अब मुझे यहाँ पे संडे दिखाना है, तो अगर संडे तो टाइप कर दो, देखिएगा हमने सिर्फ तीन वहाँ ऐड किया, प्रेजेंट अब्सेंट और हॉलीडे, ठीक है। मुझे यहाँ पे संडे भी अगर दिखाना है तो क्या करेंगे, वहाँ जाके हम फीड करेंगे या फिर मैनुअल संडे टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मैनुअल जाओ टाइप कर देते हैं, ठीक डेटा है, वैलिडेशन एडिशन में में जाओ, यस करो, यहाँ पे ना आपको फिर कॉमा लगाने के बाद संडे टाइप कर देना है, बस ना टाइप करने के बाद ओके करो। अब तो नहीं कोई दिक्कत आएगा ना, बस संडे ऐड करो यार। देखो अब संडे छिप गया हमारा, ठीक है, इसको घुमाना है तो उसके लिए होम टैब पे जाएंगे आप, और यहाँ से ना इसको घुमा दो आप, रोटेट कर दो, तो देखिएगा इस तरीके से हो जाएगा। बस मुझे सेंटर में ऐड करना है, सेंटर में ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना इसे अब यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे ऐसे संडे को ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी संडे यहाँ आया नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ जाओ कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे जो भी मतलब मिस्टेक्स हुआ,
हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ऐड किया यहाँ पे संडे का, ठीक है। तो इसके लिए करना पड़ेगा मुझे, ये तो सिलेक्ट है ही था ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद कंट्रोल दबा के ना आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ फिर मुझे डेटा मेन्यू में जाना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे भी आपको टाइप कर देना है संडे, ठीक है भाई। इनको भी संडे चाहिए, ओके करो। अब देखो आप संडे आ गए ना, बस बस यहाँ पे ऐड एक कंडीशन मुझे यहाँ भी देना है, तो बस होम टैब पे जाओ, बट कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लिक क्लिक, ये भी सेट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो मेरा सब कुछ मेंटेन हो गया, मतलब प्रेजेंट भी ऐड कर दिया, संडे भी ऐड कर दिया, हॉलीडे भी ऐड कर दिया, और अबसेंट भी ऐड कर दिया। अब मुझे काउंट करना है कि भाई हमारा जो टोटल जो जो हमारा प्रेजेंट अबसेंट का डिटेल्स है, देखना मुझे है कि टोटल प्रेजेंट कितने और कि टोटल कितने अबसेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ फर्स्ट पे, ऐसे सेलेक्ट करा और मर्ज कर लीजिए, मतलब तीन हाँ तीन को सेलेक्ट मर्ज कर लो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक हॉलीडे का देखना है, एक प्रेजेंट का देखना है, एक अबसेंट का देखना है, ठीक है। तो यहाँ टाइप कर देंगे हम प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, अबसेंट, अबसेंट, ठीक है। अबसेंट के बाद क्या करेंगे हम, हॉलीडे, ठीक। इतना करने के बाद इसको आप सेंटर में करना भाई, तो सेंटर में भी कर सकते हैं, ऐसे बीच में सेंटर कर लीजिए। उसके बाद मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इसको भी आप कॉलम में लगा लो या बॉर्डर लगा दो। अब मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता है, नहीं पता, नहीं पता आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अरे यार फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे हम, काउंट करेंगे ना, यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ इक्वल काउंट, काउंट, ओहो काउंट इफ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे काउंट इफ। अब मुझे रेंज देना है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, बोलो कौन सा। मैंने यहाँ पे ना मर्ज कर दिया है, तो जब हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे ना, देखिएगा पूरा ये सिलेक्शन कर लिया, ठीक। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ लेकर इसको पूरा सिलेक्शन करो, कोई बात नहीं करो, यहाँ तक करना है, ठीक। हमारा जो मुतीब का डिटेल्स है वो कितने रो नंबर में है, 3 नंबर में है, तो आपको यहाँ आना है ना, यहाँ पे आपको 9 को हटा के सिर्फ 3 टाइप कर देना। देखिएगा जब 3 हमने टाइप किया, तो सिर्फ कौन सा रो सेलेक्ट किया है, सिर्फ 3 नंबर, देखिएगा, देखिए, ठीक है। मर्ज की वजह से पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहा था, उसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको लास्ट में एडिट कर देना है, जिस रो में मुझे काम करना है उस रो को सेलेक्ट कर लेना है, देखिएगा मैंने 3 टाइप कर दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर पूछ रहा क्राइटेरिया मुझे क्या काउंट करना है भाई, तो यहाँ पे मुझे आपको टाइप करना है, काउंट करना है प्रेजेंट, मतलब पी डबल कॉमा बंद करना है, ब्रैकेट बंद करना है, और एंटर लगा देना। देखिएगा यहाँ पे बता रहा है कि टोटल जो प्रेजेंटिंग है वो सिर्फ 21 दिन का है, अच्छा ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे टोटल सबका आ गया, कौन कितना दिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आएंगे अबसेंट में, तो क्या करना, मान लो यहाँ इसको कॉपी कर लेना है, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ऐसे इक्वल नहीं कॉपी करना है, सिर्फ जो हमारा फार्मूला है कॉपी करना, कंट्रोल सी, ठीक है। इतना करने के बाद ना आपको इंटर लगा देना है, और यहाँ आना है, इक्वल प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे पी के स्थान पे ए करना है, ठीक, और एंटर लगा देना है, ये हो गया आपका अबसेंट, डबल क्लिक मारेंगे और यहाँ आ गया आपका कितना दिन प्रेजेंट और कितना दिन अबसेंट है, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पे हॉलीडे, मतलब छुट्टी भी है कुछ, तो इक्वल, इक्वल का यार, हाँ इक्वल लगाओ, कंट्रोल वी करो, यहाँ पे पी की जगह आपको एच लगा देना है और कर देना है एंटर। तो देखिएगा यहाँ पे हॉलीडे सिर्फ एक दिन का है इनका, ठीक है भाई, और किसी का है, किसी का नहीं, किसी का चार चार, किसी का पांच पांच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना ये तो हो गया प्रेजेंट, ये हो गया एब्सेंट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हॉलीडे। यहाँ देखिएगा जो टोटल इनका, ये देखिएगा ये कौन है भाई, ये कौन है देखते हैं आकर, अंकित है, ठीक है। अंकित ने टोटल 24 दिन काम किया है, 2 दिन अब्सेंट है और हॉलीडे एक भी इनका नहीं है, ठीक है। देखिए टोटल 30 दिन में आपका
चार संडे निकल जाएगा तो 26 दिन पड़ेगा, ठीक है। 26 में इन्होंने 24 दिन काम किया, 2 दिन इन्होंने हॉलीडे कर रखा है, ठीक है। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, कौन है भाई, देखते हैं, ये है जुनेद, ठीक है। जुनेद ने क्या किया, मैंने इसको सबको प्रेजेंट कर दिया, ये बहुत ही मतलब सस्टिव है, मतलब ये छुट्टी नहीं करते हैं, तो इनको कर दे रहा पूरा का पूरा प्रेजेंट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए जीरो जीरो दिखा दिया पूरा, और यहाँ पे 26 दिन का प्रेजेंटिंग हो गया, चार तो आपका संडे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट सबका क्रिएट हो गया और हॉलीडे भी ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी सैलरी मेंटेन करना है, कि मतलब एक दिन में इनकी सैलरी अगर इनकी इतनी है तो टोटल एक माह का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर मर्ज किया, सिलेक्शन किया, अगर यहाँ पे डे इनकम, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डे इनकम, ठीक, मतलब एक दिन को कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है भाई। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ना, इनको कर दिया 350, ठीक है, इनको कर दिया हमने 360। बस इस तरीके से हम ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि और टाइम ज़्यादा लगेगा। बस इस तरीके से हमने बता दिया कि हाँ इनको इतने एक दिन में इतना मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल इनकी सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है, तो इनकी सैलरी बनाना है। तो अब मुझे सैलरी बनाने के लिए करना पड़ेगा, है ना, टोटल सैलरी इनकी कितनी बनेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे मर्ज करना है और यहाँ पे कर देना है इन हैंड सैलरी, मतलब इनको कैश सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, बता रहे हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल 21 दिन जो आपका है ना ई वाला, इसको सिलेक्शन करेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक। मल्टीप्लाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी मल्टी नहीं, प्लस लगाओ पहले, चार संडे को जोड़ लेंगे क्योंकि संडे का पैसा तो मिलेगा इनको भी ना, तो हमने चार संडे जोड़ दिया। फिर मल्टीप्लाई लगाया किससे, इस 350 से, तो टोटल सैलरी, सॉरी ये कितना हो गया, 1421, नहीं रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। टोटल अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना चार संडे को जोड़ना पड़ेगा, तो चार संडे को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ना एक कॉलम ले लेते हैं, एक कॉलम ले लीजिए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए, ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ कर दीजिए टोटल वर्क डे, लिखेंगे यहाँ पे वर्क डे, ठीक है। अब वर्क डे को भी ऐसे आप कर लीजिए वर्क, और यहाँ लगेगी इक्वल 21 प्लस 4, 25 दिन काम हुआ, ठीक है, क्योंकि एक 4 दिन अब्सेंट है, एक हॉलीडे, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क डे। अब वर्क डे में अब हम करेंगे इक्वल मल्टीप्लाई, अब सही है इनका ना, 8,750 रुपया पर डे इनका महीने का इनकम हो गया, मतलब जो सैलरी इनको मिल रही है, महीने का इनकम अलग है, 30 दिन का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे 30 दिन की मल्टीप्लाई। मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि मंथ इनकम कितना होगा, तो आप कर लो, चलो एक कॉल और बढ़ा लेते हैं, सेलेक्ट करा, मर्ज करा, मंथ इनकम, ठीक है, तो मंथ इनकम या इनका, हाँ ठीक है, मंथ इनकम, मंथ सैलरी, टोटल सैलरी का देते हैं, यस सैलरी, ठीक है। तो सैलरी की कितनी होगी, इक्वल इक्वल 30 गुणे 350, टोटल सैलरी इनकी जो महीने की बन रही है ना वो 10,500 बन रहा है, जिसमें से इन्होंने 25 दिन काम किया है तो इनको मिला 8,750 रुपया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, टोटल इनका हो गया सेटिंग, टोटल इन्होंने काम कितना दिन किया, कितना दिन छुट्टी कर रखा, कितना अब्सेंट है, कितना प्रेजेंट है, सब कुछ इनका इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे देखना है कि नाम के वाइज, तो यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे, यहाँ क्लिक करने के बाद, हाँ अगर एक चीज और देखना चाहते, मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट या अब्सेंट मुझे एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करके ना देखिएगा यहाँ पे अपडेट होगा ऑटोमेटिक, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देखिएगा हमने किया हॉलीडे, देखा हॉलीडे में एक पॉइंट बढ़ गया और सैलरी भी घट गई, ठीक। मैंने इसके प्रेजेंट किया तो देखिएगा अभी यहाँ पे 8,400 रुपये है, मैंने यहाँ प्रेजेंट किया तो हो गया 8,750 रुपया, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है,
यहाँ ना अगर आप दिखाना चाहते कि कौन सा प्रेजेंट कौन सा अब्सेंट, पता नहीं चल रहा है मुझे, यहाँ देखना पड़ रहा है। हाँ यार ये अब्सेंट है यार, यही प्रेजेंट है, यही हॉलीडे है। तो एक कंडीशन सेट कर दो। कंडीशन सेट क्या क्या करना है आपको, कंडीशन सेट क्या करना है, ठीक है आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ जाओ यहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट, ठीक है आपको यहाँ पे ना टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर गया पहले ही कि जो जो प्रेजेंट है रेड में हो गया। मुझे ना यहाँ पे टेक्स्ट को करना है, तो यहाँ जाओ आप कस्टम में, ठीक है कस्टम में जाने के बाद मुझे जाना है नंबर्स या फील बॉर्डर्स, मुझे फील करना है टेक्स्ट करना है, क्या किया जाए यार। यहाँ पे ना टेक्स्ट ही कलर कर दो, टेक्स्ट कलर कर दो रा ग्रीन, जो भी है ग्रीन कर दो कोई बात नहीं, और बोल्ड कर दो, ओके करो, देखिएगा प्रेजेंट आपका ग्रीन हो गया। यार अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना अपसेंट को रेड करना है, तुमने ई टाइप किया और अपसेंट को रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे कलर और अपसेंट को रेड किया, बोल्ड किया और ओके किया, देखिएगा यहाँ पे जितने भी अपसेंट हैं सब आपके रेड हो गए, ठीक। मुझे हॉलीडे भी शो कराना है यार, तो यहाँ पे एस टाइप करो और यहाँ पे ना आप कस्टम में जाओ, और हॉलीडे को किस में करें यार, जो को आप ब्लैक कर दें, ठीक ये चलेगा, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, कौन सा करें, ये वाला चलना चाहिए फिलहाल, देख लो आप जो भी करना चाहो वैसे करो कोई बात नहीं, आप बोल्ड करो और ओके करो, देखिएगा यहाँ पे हॉलीडे भी हमने, ओ सॉरी क्या हो गया ये, कोई बात नहीं हॉलीडे मिस्टेक कर रहा है ना, ठीक है बता रहे हैं उसको हम डार्क ब्लू आकाश आसमानी और ओके, अच्छा ठीक है सिलेक्शन करा, फिर जा क्लिक करा टेक्स्ट पे जा, और यहाँ पे ना आप कस्टम ग्रीन ओके लेकिन जो हमारा है ओके करो, अच्छा ठीक है फिर सिलेक्शन करो, अपसेंट को मुझे रेड करना है, तो फिर सिलेक्शन और टेक्स्ट यहाँ पे अपसेंट को ए, हाँ ठीक है ऐसे रहने दो ओके, देखिएगा इस तरीके से। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे ए है ना, इसको मैंने कर दिया, देखिए इस तरीके से हो गया, मैंने किया प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया। अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, ये मुझे ऐड कर देना है, देखिए जहाँ जहाँ आपका प्रेजेंट है वहाँ वहाँ ये चेंज होता चला जा रहा है, जहाँ पे आपका अब्सेंट है उसका भी चेंज कर रहा है, जहाँ पे आपका हॉलीडे है उसको भी चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा ऑटोमेटिक अब हमने एडजस्ट कर, जिससे देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैं छोड़ दिया, यहाँ क्लिक करके जाएंगे ना आप व्यू टैब पे, व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ मिल जाएगा आपको फ्रिज, आपको फ्रिज पैन कर देना है, और अब देखिए ठीक ये देखिए यहाँ फ्रिज कर सकते हैं, अगर फ्रिज यहाँ नहीं करना है तो कोई बात नहीं उसको आप हटाओ अनफ्रिज करो, यहाँ आ जाओ मुझे सैलरी के हिसाब से नेम के हिसाब से मुझे सारा डिटेल्स देखना है, तो फ्रिज पैन यहाँ करो, और अब देखो यहाँ टोटल बता रहा है कि जो मुतीफ है ना, मुतीफ 22 दिन प्रेजेंट है, 3 दिन अब्सेंट है, 1 दिन हॉलीडे पे है, टोटल डे उसका 26 दिन का है, टोटल सैलरी उसकी बनी 10,500 रुपये, 1 दिन का इनकम 350 रुपये, तो टोटल महीने की जो टोटल जो वर्क डे सैलरी इनकी बनी, मतलब जो इनको कैश मिला 9,100 रुपये मिला, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं है ना, तो मैंने इसको बढ़ाया क्या, हाँ बढ़ा दे रहे हैं यहाँ से अब्सेंट प्रेजेंट कर दे रहे हैं, देखिएगा इसकी सैलरी बढ़ गई 9,450, सैलरी घटा दें, सैलरी घटा दिया 9,100 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको कलर वलर देना है तो दोस्तों आप कलर वलर भी दे सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट सन करके आप जो भी कलर देना है आप दे सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आपको देना सेलेक्शन करिए, आप होम टैब पे जाइए, यहाँ से जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं, देखिएगा जो भी कलर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये वाला कलर देना, देखिएगा लग जाएगा, इस तरीके से लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और इसी आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा,
ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।